राजिम के ग्रामीण अंचलों को शहर से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पक्की सड़कों का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन कई जगह इस योजना में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। आपको बता दें कि यहाँ कुंडेर से ग्राम पुरैना मोड़ तक करीब 10 किलोमीटर लाखों की लागत से पक्की सड़क निर्माण का कार्य किया गया, जिसमें भारी गड़बड़ जाला हुआ। निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि ठेकेदार मनमानी कर अपने मन मुताबिक सड़क का निर्माण कर रहा है, कहीं ज्यादा सामग्री डाली जा रही है तो कहीं कम। ग्रामीणों के मुताबिक जगह जगह पतला डामरीकरण हो रहा है, लिहाजा कुछ समय बाद ही सड़क खराब हो जाएगी। इतना कम मतलब माल डला है जिमे एकर ज्यादा दिन टिक नहीं पाए है। ऐसे भी पहली यू बने रही से एकदम कम समय में पूरा खस्ता हाल हो गए, ये ठीक से बनना चाहिए। ये हाँ कुंडे से चालू है बने के, कुनहो का डाबरा है, कुनहो का डिबरा ऐसे टाइप से पूरा बना था। अच्छा, तो गाँव के चार पांच लोग बोली से ज्यादा मोटा डालेंगे तो जल्दी उखड़ जाएगा बोली। जितेंद्र सिन्हा जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। जितेंद्र बताइए, क्या गड़बड़ जाला सामने आ रहा है फिलहाल? जी सलमान, इस मामले को लेकर के बताना चाहूंगा कि कुंडेल भाटा से लेकर के पुरैना मोड़ तक जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जो काम कराया जा रहा है वो काम जो है पूर्णतः गुणवत्ताहीन है। और वहाँ पे कुंडेल भाटा जो है प्रदेश का एक सबसे बड़ा धान खरीदी केंद्र का संग्रहण केंद्र है, जहाँ से धान खरीदी करने के बाद पूरे प्रदेश का राइस मिलर्सों में धान दिया जाता है और चार पहिया ट्रकों से बड़े बड़ी लारी से वहाँ से ट्रक का परिवहन करता है। निश्चित तौर पे जो मार्ग वहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनाया जा रहा है वो बहुत ही जल्दी भरभराकर उखड़ जाएगी। इससे ग्रामीणों में खासा आक्रोश है। वहाँ पे मौके पर जो उपस्थित ठेकेदार है उनसे उक्त आशय की जानकारी पर लिए जाने पर उन्होंने बोला की जो इस्टीमेट में विभाग के द्वारा दिया गया इस्टीमेट के आधार पर बनाया जा रहा है, जबकि वहाँ पे रोड में बिल्कुल भी मोटाई जो है 1 इंच है, जो आने वाले बरसात में ही मतलब पूरा जर्जर होकर भरभरा उखड़ जाएगी। जी सलमान, तो क्या अधिकारियों की भी मिलीभगत हो सकती है इसके पीछे? जी जी, निश्चित तौर पे ये पूरा मामला अधिकारियों के संलग्नता से चल रही है। युक्त आशय की जानकारी लेने पर जो प्रदीप यादव है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी है, उनसे उक्त आशय की जानकारी लेने पर बोलते हैं कि नहीं रोड वहाँ पे निश्चित तौर पे सही मात्रा में सामग्री डाल के बनाई जा रही है और रोड पूरा गुणवत्ता से ही बन रही है और हमारे द्वारा बार बार जा करके रोड का निरीक्षण भी किया जाता है करके जिम्मेदार अधिकारी इस तरीके से अवगत करा रहे हैं। शुक्रिया जितेंद्र, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए।